रियल मी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, यहाँ पे भी मस्त तरीके से लिखा हुआ है, रियल मी प्रॉपर लोगो है। कितने की पड़ी थी ये? पड़ी थी 32 रुपये की। 32 रुपये की सिर्फ 32 रुपये की है गाइस। और कितना दिन चली थी ये? चली 20 दिन। 20 दिन चली, यानी कि एक दिन का कितना खर्चा पड़ा? 1.5 रुपये। क्वालिटी कैसी थी? आवाज़ साउंड अच्छा था। प्रॉब्लम क्या आई ना कि अब ये धीरे धीरे चलते चलते अपने आप बंद हो गई, लेकिन फिर भी 1.5 रुपये खर्चे के साथ है ना, मुझे लगता है काफ़ी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी है। वेलकम बैक गाइस, आज बारी है फेक अनबॉक्सिंग करने की। आज मैं कुछ ढेर सारे प्रोडक्ट्स लेके आया हूँ, मैं खरीद नहीं लाया, मैंने मंगवाया है, और ये सारे ऑफलाइन मार्केट में। बहुत ही बढ़िया मार्केट आजकल बूम कर रही है फेक एक्सेसरीज की। कुछ साल पहले शाओमी के बहुत मिलते थे, यू नो लाइक लॉकडाउन के पहले, लेकिन अब रियलमी हर तरफ छाई हुई है। तो मैं ढेर सारे आपको प्रोडक्ट दिखाता हूँ। फर्स्ट प्रोडक्ट रियलमी बर्ड्स 2, कितने की थी ये? थी 50 रुपये की। जस्ट 50 रुपये की। ओके, प्रोडक्ट नंबर 2 रियलमी बर्ड्स क्लासिक। ये तो नाम सुना हुआ है, आई थिंक ये कुछ 400-500 की मिल रही है ऑफिशियल। कितने की पड़ी ये? पड़ गई ये तो 100 रुपये मिल गई थी। जस्ट 100 रुपये में। आज थीम भी थोड़ी येलो वाली मैंने कर ली जानबूझ के। एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट, ये तो ओरिजिनल लग रहा है मेरे को। ये कितने का था? ये 150 की दे रहा था। 150 की। इसमें है भी, मुझे लग रहा है छोटा सा कुछ पेचकस टाइप का डाल दिया, लेकिन डिब्बा मस्त बनाया है इसका। ओके वाओ, नेक बैंड, ये कितने का पड़ा? ये तो 200 की दे रहा था। रणवीर भी इसमें है, बड़े बड़े लोग आ चुके हैं। एंड यहाँ पे शायद कोई और था, किसमें कोई और था, इस वाले का कार्तिक आर्यन था। मैं आपको कुछ फोटोज दिखा रहा हूँ, इसका डिब्बा अनफॉर्चुनेटली कहीं खो गया, मुझे मिल नहीं रहा है, गाड़ी में कहीं रखा था, गायब हो गया। और एट द लास्ट चीपेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन, ये कितने का पड़ा था? 500 रुपये। 500 रुपये का। देखा गाइस आपने, और भी बहुत सारे लेकिन मार्केट में ना ये छाए हुए हैं। ये मैंने मंगवाया है कानपुर से, स्पेशली झाकरकटी के बस स्टैंड पर मिलते हैं बहुत सारे। अगर आप आस पास रहते हैं ना, तो गंदा नाला झाकरकटी घूम लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। भर्रा में भी मिलता है ये सब। लेट्स चेक गाइस कि एक्चुअली में रियलमी की साइट में कौन कौन से अवेलेबल हैं, देन हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पे ऑडियो में आ जाए ना, सो वाइड में देखिए, जो मैं बता रहा था ना बर्ड्स क्लासिक, ये वाला, ये 400 का पड़ रहा था, हमें पड़ी ये बस 100 रुपये की, बिकॉज ये फेक है। क्या पता और सस्ता पड़ जाए, ज़्यादा बार्गेनिंग किया नहीं हमने, बस ऐसे ही ले लिया। ये 100 रुपये की है बर्ड्स 2, इसके डिज़ाइन का जो है ना, ये रियलमी बर्ड्स, ये बर्ड्स 2 यहाँ पे हमने, ये बर्ड्स यहाँ पे 499 की हमें पड़ी है, कितनी की? 150 की ना। और ये किसका क्लोन है? ये बर्ड्स 2, अरे बर्ड्स 2 600 रुपये का मिल रहा है, हमको पड़ा बस 50 रुपये में ये। अरे बाप रे। और वायर्ड में चलते हैं, नेकबैंड में, जो नेकबैंड हम लेके आए ना यहाँ पे, ये पड़ रहा है बैंड 7, ये तो कंपनी ने लॉन्च भी नहीं किया, लेकिन ट्रू वायरलेस पे आ जाए। सबसे सस्ता जो बर्ड्स Q2S है 2000 रुपये का, हमको ये पड़ा है बस 500 रुपये का। और बार्गेनिंग करा लेते ना तो शायद और सस्ता पड़े था। बट एक बात तो यूज़ करके मुझे पता चली कि इनकी क्वालिटी बढ़िया होती है, लाइक जिस दाम के हिसाब से मिल रहे ना, अगर आपको 30 रुपये का ये मिल रहा है 32 रुपये का, और 20 दिन भी आप चला रहे हैं, अगर लगातार 8-10 घंटा हैवी यूज़ करने के बाद ये ख़राब हुआ, अगर आप कैजुअली यूज़ करें तब तो 50 पैसे हिसाब से आप 2 महीना इसको चला लोगे आराम से। सबसे पहले सबसे सस्ता रियलमी बर्ड्स 2, लोगो एकदम ओरिजिनल बना रखा है, एकदम रियलमी वाला जैसा होता है। वाह, साउंड अमेजिंग, चलिए चेक करते हैं। अरे वाह, मस्त एकदम बर्ड्स 2 वाला डिज़ाइन है, बर्ड्स 2 वाला। और ये एकदम ब्रेडेड वायर भी आप देख सकते हैं, प्लास्टिक नहीं है, शायद ये क्लॉथ लग रहा है, ये क्लॉथ का ब्रेडेड वायर है। एंड यहाँ पे मस्त रियलमी का लोगो बना हुआ है, कोई भी मैग्नेट ऑफ कोर्स नहीं है, ऐसे लग के ऐसे लग रहा नहीं, मैग्नेट्स है। अरे 50 रुपये में मैग्नेट भी है, देखा मैग्नेट्स भी यहाँ पे। ओके फर्स्ट, चलिए गाइस क्विकली टेस्ट करते हैं। वैसे आजकल हेडफोन जैक मिलना मुश्किल है, मैं कोई और फ़ोन लेके आता हूँ जिसमें हेडफोन जैक हो, आई होप सो। 50 रुपये वाली क्वालिटी तो होनी चाहिए, फिर भी माइंड ब्लोइंग होनी चाहिए। देखिए आ भी गया, गूगल असिस्टेंट डिटेक्ट भी हो गया वहाँ पे लगाते ही। अपने आप इसको आप ऐसे खोल सकते हैं, ये थोड़ा सा चिपका हुआ है, जितने आपकी नीड हो ऐसे। वैसे लाउड ये बहुत ज़्यादा है, ओके लाउडनेस में कोई दिक्कत नहीं, सुपर लाउड है। अब इसमें पता है आवाज़ कैसे रही, मैं आपको कॉपीराइट की वजह से सुना नहीं पाऊँगा, लेकिन आवाज़ ऐसी आ रही ना, जैसे आप सपोज़ कहीं पार्टी में हो ना, म्यूज़िक बज रहा है कहीं स्पीकर से, डीजे आपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रखा है, वो भी घटिया वाले मोबाइल से, फिर जैसी आवाज़ आती ना वैसी वाली आवाज़ आ जैसे लग रहा है कि तबले वाली पीट पीट के मेज से बजाया जा रहा हो।
बट फिर भी आम पब्लिक के लिए आई थिंक ये ओके है, जिसको जैसे ऐसे कैजुअली तबले वाली आवाज़ सुननी है उसके लिए परफेक्टली ओके है। 50 रुपये के हिसाब से, आई मीन क्वालिटी के हिसाब से मैं कहूँगा कि क्वालिटी उसकी अच्छी है, एकदम A+ क्वालिटी दी है, ब्रेडेड वायर दिया है और मैग्नेट्स भी दे रखे हैं प्रॉपर, यहाँ पे ये भी दे रखा है, आप उसको टाइप भी कर सकते हैं। क्वालिटी में तो ये अच्छे पाता है, 10 में से 9 नंबर तो क्वालिटी भी लेंगे। साउंड के लिए आप 10 में से 5 बर्ड्स क्लासिक चलते हैं, ये अच्छा होगा। 100 रुपये का है ओप्पो मोबाइल, एकदम पूरी पैकिंग बना रखी है। मेरे पास ओरिजिनल है नहीं, मुझे लग रहा था कि ये आते भी नहीं ओरिजिनल, ओरिजिनल मंगाना था मेरे को। अरे ये तो इसमें वही वाले एकदम फिनिशिंग मिली जो इस वाले वायर में है ना, जो 32 रुपये हमने ली थी, लगता है इस बार हम लोग ठग गए, ये भी 32 रुपये का ही मिलता, हमको 100 रुपये में मिला। ये वायर्स वैसे थिक हैं, यहाँ पे रियलमी लिखा होना चाहिए, नहीं रियलमी नहीं लिखा हुआ है, पे प्रॉपर बटन भी रखे हैं। क्वालिटी कैसी आ रही है इसकी, इसकी क्वालिटी बहुत ही सुपीरियर है इसके कंपैरिजन में, लाइक एकदम बढ़िया साउंड आ रहा है, फील हो रहा है कि ये ओरिजिनल ही है। ऐसा तो नहीं कि ओरिजिनल ही था, नहीं ओरिजिनल तो नहीं लग रही है, फिनिशिंग देखकर तो मेरे को नहीं लग रहा है कि ये ओरिजिनल होगा, बिकॉज देख के लग रहा है कि डुप्लीकेट माल ही बनाएगा, लेकिन क्वालिटी बहुत बढ़िया है। 100 रुपये के हिसाब से लाउडनेस इस 50 रुपये वाले से काफ़ी ज़्यादा है और 32 वाले से भी ज़्यादा है। इसमें ऐसी फीलिंग नहीं आ रही, इसमें बैस भी बढ़िया आ रहा है, लाइक एकदम बूम वाला होता है ना थम्पी बैस, वैसी इसमें आवाज़ आ रही है। लेट्स सी कि ये कंट्रोल्स काम कर रहे हैं, नहीं काम कर रहे हैं। ओह ये भी काम कर रहा है, वाह। तो ये साउंड इसका बहुत ही अच्छा, आप कह सकते हैं प्राइस के हिसाब से लो, देखा ना निकल गया, 100 रुपये वाली क्वालिटी थी तो पहले दिन ही निकल गया ये, अभी कैसे लगाएं, नहीं लग गया। देखो थोड़ा सा ये गेम भी खेल सकते हैं, बट इसको आप ऐसे वाइट टेप लगा के फिक्स कर सकते हैं। महंगा है, प्राइस के हिसाब से क्वालिटी अच्छी नहीं है, ये 50 वाली क्वालिटी बहुत अच्छी थी, लेकिन ऑडियो के लिए ना ये साउंड क्वालिटी इसकी 10 में से आप 8 तो मान सकते हो, बढ़िया बिंदास क्वालिटी आ रही है। 14.2 mm का लार्ज ड्राइवर दे रखा है इसमें, लेट्स सी कि ओरिजिनल बड्स में कितना ड्राइवर मिला था। ऐसा तो नहीं मेरे को लग रहा है कि वही वाला ये सस्ते में चिपका रहे हैं कहीं से खरीद खरीद के। 14.2 mm लार्ज ड्राइवर, ये तो एग्जैक्टली वही है जो उन्होंने चिपका दिया है, पैकेजिंग ये ओरिजिनल लग रही है, बस सामान इसमें सस्ता वाला है, हम ठग गए इसमें, 50 रुपये ज़्यादा नहीं देना था इसका। नेक्स्ट 150 रुपये वाला माल, इसमें तो कुछ होना चाहिए। और ये क्या, अरे वाह इसकी पैकेजिंग तो बढ़िया लग रही है। और ये है 499 का, हमको पड़ा है बस ये 150 रुपये में। पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है इसकी, एकदम नहीं लग रहा है कि नकली, ये सारे तो देखो डिब्बे देख के लग रहे थे कि ये नकली है, ये नकली लग रहा था एकदम पूरा। यहाँ पे थोड़ा सा देखिए अच्छा इंप्रूवमेंट फिनिशिंग है, यहाँ पे थोड़ी सी प्रीमियम फीलिंग आ रही है। केट पुश दोबारा सुनते हैं, इसकी साउंड क्वालिटी ना बहुत ही बेकार है, ये वही 50 रुपये वाली आ रही है आवाज़, तो ऑडियो इसका बहुत ही बेकार है, बट थोड़ा सा ये प्रीमियम फील हो रहा है, लाइक यहाँ पे जो फिनिशिंग दी गई ना वो थोड़ी सी प्रीमियम वाली दी गई, देख के लग रहा है कि लाइक अच्छा सा है थोड़ा। अब ये आई बढ़िया वाली चीज़, इसको टेस्ट करते हैं, रणवीर को काफ़ी पैसे दिए होंगे, देखो जल्दीबाजी में ना ढंग से चिपकाया भी नहीं। ओके रियलमी बर्ड 7, ये तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, बिल्ट इन मैगनेट्स 11.2 mm स्वेट प्रूफ ब्लूटूथ 5.4, अल्टीमेट जॉय ऑफ म्यूजिक, ये तो काफ़ी प्रीमियम लग रहा है। अरे वाह स्टाइलिश बटन एकदम है, यहाँ पे रियल मी बाहर से चिपकाया गया है, इसको ऐसे खुरच देंगे ना बाहर निकल जाएगा, ये थोड़ा सा लूज हो गया, बट दिखने से ये बहुत मस्त लग रहा है, मैगनेट्स इसके बहुत तेज लग रहे हैं, हो इसके मैगनेट बहुत स्ट्रांग हैं, और यहाँ पर अलग टाइप से लिख रखा है रियल मी, देखा कुछ बढ़िया तरीके से। फर्स्ट इसको पेयर करते हैं, बर्ड 7, अरे वाह रियलमी लिख के नहीं आ रहा, रियलमी बड 7 लिख के आ रहा है, इससे मुझे काफ़ी उम्मीदें हैं, शायद ये बढ़िया चलेगा। ये सबसे लाउडेस्ट है 100% पे, मैं सुन भी नहीं पा रहा हूँ, मुझे वॉल्यूम इसे घटाना पड़ रहा है अराउंड 70 तक। साउंड क्वालिटी इसकी लाइक ठीक ठाक है, थोड़ा सा स्टीरियो इफेक्ट इसमें दिया गया है, थिएटर वाला इफेक्ट आप कह सकते हैं, तबलेबाजी थोड़ी सी कम है और बढ़िया है, लाइक मस्त काम कर रहा है। और ये अनरिलीज प्रोडक्ट भी है, ऐसे जनरली ऐसे ये बाहर आ जाते लेकिन ये बाहर नहीं आ रहा है। एंड चार्जिंग ऑफ कोर्स यहाँ पे माइक्रो यूएसबी नहीं चाहिए, यस। सो इस प्रोडक्ट से मैं काफ़ी इंप्रेस हो गया, ये मस्त लग रहा है। अब इसका सबसे एक्साइटिंग प्रोडक्ट, अभी जैसे मैं रिसेंटली ये यूज़ कर रहा हूँ, ये 5 रुपये का मिलता है, ठीक ठाक है, लाइक बैटरी भी चलती है, साउंड भी अच्छा है, ANC सब कुछ अच्छा है। लेट्स सी, इसमें बिना रामपुरी के खुल गया ये तो। यहाँ पे देखें Realme Buds मॉडल TWS R11 एंड क्वान्टिटी 1 KR Realme मेड इन चाइना गुड़गांव हरियाणा, इन्हें सब पता है कहाँ पे क्या मिला। 16 घंटे की बैटरी बैकअप है कम्बाइन, प्योर बैस साउंड, और यहाँ पे देख के तो लग रहा है कि एकदम
बढ़िया वाला तरीका है यहाँ पे, लेट्स सी क्या निकलता है इसमें। ओह देखा ना, सस्ती वाली फीलिंग आ गई ना इसमें। 500 रुपये इसके ज़्यादा लग रहे हैं। आज तक अभी देखा है ऐसे कि ये अलग से रख के आया हो? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अरे ये भी टूटा हुआ है, देख के पता चल रहा है। कलर भी इसका, अरे कुछ और भी इसमें है लगता है, तार और अलग से दे रखा है। हाँ ये लगता है ओरिजिनल है, ये किस तरह रियलमी के डिब्बे कहीं से चुरा लाए इन लोगों ने। और ये ऐसे जैसे लगता है कि खुला हुआ है, इसको दोबारा किसी ने बंद किया है। एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, साथ में माइक्रो यूएसबी चार्जिंग केबल। ओके ईयर टिप्स भी हैं, ये भी हैं, इसमें मस्त पन्नी उन्नी लगा रखी है। रियलमी छापा गया ऊपर से, ये भी मिट रहा है यहाँ पे, इसे मिटा सकते हैं। क्या ये चार्ज होगा? अरे बर्ड्स क्यूटू का हल्का वाला लग रहा है ये तो, एकदम ढीला सा, एकदम लूज। इसके भी हम ठग गए, 500 रुपये तुमने दिया, इसका 300 रुपये नहीं देना था मैं। चलो देखते हैं चार्ज होता नहीं होता। ये गया यहाँ पे, अरे चार्ज हो रहा है। एलियन वाली लाइटें जल रही, लाल पीली एकदम, जो पुरानी जमाने पिक्चरें आती थी मोगैम्बो वाली, जिसमें से लाल पीले तिरंगा पिक्चर में जलती थी, वैसी जल रही है। अरे वाह, बट शायद ये भी पेयर हो जाए। वो इसमें पेयरिंग बटन नहीं दे रखा है, इसको पेयर कैसे करेंगे? इसे बाहर निकालते हैं। लेफ्ट चैनल राइट चैनल, इसका नाम L21 था इसलिए हम कन्फ्यूज़ हो गए थे। और आपने देखा यहाँ पे SBC और AC सारे कोडेक सपोर्ट करते हैं। प्ले करके देखते हैं इसमें ऑडियो कैसे आ रहे हैं। वैसे क्वालिटी इसकी बहुत मस्त है। अभी जस्ट ना और बताने के लिए ना मैं इसको रियलमी बड से कनेक्ट करता हूँ। गूगल फास्ट पेयरिंग जिंदाबाद। अभी आपको बताता हूँ कि डिफरेंस कितना है क्वालिटी में, कितने परसेंटेज का डिफरेंस है। लाउडनेस थोड़ी सी कम है, थोड़ी क्या 25% कम कह सकते हैं इस वाले से, ये बहुत ही लाउड है। बट इसमें भी इतना ख़राब नहीं निकला जितना मैं सोच रहा था ना, एकदम तबले वाला या वो कुछ और, अच्छी क्वालिटी है। यानी जहाँ से भी उन्होंने चिपका के बनाया है, बहुत ही बढ़िया बनाया है। सो या गाइस, ये रहे हमारे आज के फेक प्रोडक्ट। यू सी ऑफलाइन मार्केट में ऐसे बहुत चल रहा है आजकल। वीवो के पहले मिलते थे, अब थोड़े कम मिल रहे हैं। शाओमी के भी कम दिखते हैं आजकल, यही छाया हुआ है बाजार में। हीलमी नाम से, रियलमी नाम से, रियलमी नाम से कलर वगैरह चिपका चिपका के, और लोग खरीद भी रहे हैं। आप दोबारा लेने जाएंगे ना तो वो बिक चुका होता है, फिर उसके बदले कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका होता है। फर्स्ट टाइम गए थे तो 32 वाला मिला था, उस टाइम पे ये नहीं था। फिर बाद में आया तो बड्स 7 भी लॉन्च हो गया, बड्स क्लासिक भी लॉन्च हो गया, ऐसे हर हफ्ते नए प्रोडक्ट आ जाते हैं। लेकिन गाइस, अगर आपको और देखने ऐसे धमाकेदार फेक प्रोडक्ट्स, सो वी आर अप टू इट। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट। हैव अ ग्रेट डे।